नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे DLN सेकेंड ईयर के पेपर कोड S1। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, S1 में आप सभी को पढ़ना है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत 2020 में जो आपकी परीक्षा हुई थी, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखते हैं कि वो आपकी परीक्षा में जो है कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, S1 में आपको पढ़ना है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, और यह पेपर जो है आपके 70 नंबर का होता है, यानी कि 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपको 70 नंबर की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ली जाती है, और 30 नंबर आपका जो है वो आंतरिक होता है, जो कि आपको आपके महाविद्यालय से प्राप्त होते हैं। इसमें आप देखेंगे तो कुल प्रश्नों की संख्या 11 रहती है और समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। चलिए हम कुछ के निर्देश यहाँ देख लेते हैं। आप निर्देश यदि देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है कि यह प्रश्न पत्र जो है 2 खंडों में बांटा गया, यानी खंड क और खंड ख। खंड क की यदि हम बात करें तो इसमें आपको 6 लघुतरीय प्रश्न दिए रहेंगे, जिनमें से आपको प्रत्येक प्रश्न का 75 से 100 शब्दों में उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंकों का होता है। और यदि हम खंड ख की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपको 5 दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए रहेंगे, जिनमें आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है, और उत्तर जो है 200 से 250 शब्दों में आपको देना है, जिसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। पहला आपका प्रश्न है, विद्यालय के कौन से प्रशासनिक घटक असमानता को प्रभावित करने वाले होते हैं, यानी कि विद्यालय में कौन कौन से वो आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोनेंट होते हैं जो कि इसके स्कूल पर इफेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पूछा जा रहा है। पहले प्रश्न के ही अथवा में दिया, यानी और में दिया हुआ है कि समावेशीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है, यानी कि इंक्लूसिव जो एजुकेशन होता है, समावेशीकरण जो होता है, इंक्लूजन इसको कहते हैं अंग्रेजी में, इसके बारे में आपको बताना है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया, भारतीय शैक्षिक व्यवस्था पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, वो आपको बताना है। दूसरे प्रश्न का अथवा यानी कि ऑप्शनल में पूछा गया है, समान विद्यालय प्रणाली की खूबियों को बताइए, यानी कि कॉमन स्कूल सिस्टम की जो कौन कौन खूबियाँ है उसके बारे में आपको, उसके मेरिट को आपको एक्सप्लेन करना है, यानी कि बताना है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 में जो है, शिक्षा के मौलिक अधिकारों के अनुपालन में किनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, इसके बारे में आपको आपसे पूछा जा रहा है। और दूसरा है, तीसरे प्रश्न का और में है, भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख आपको करना है। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, शैक्षिक नवाचार के महत्व पर प्रकाश डालें। चौथा का दूसरा ऑप्शन है, सामुदायिक केंद्र के रूप में विद्यालय को कैसे विकसित किया जा सकता है, यानी कि जो आपका आपके स्कूल को जो है एक कम्युनिटी सेंटर के रूप में हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 5 में जो है, विद्यालय में छात्रों एवं शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम का होना क्यों आवश्यक है। आप सभी जानते हैं कि सब के लिए एक स्कूल में एक पाठ्यक्रम होता है, एक सिलेबस होता है, तो सिलेबस का क्या योगदान है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 5 में। 5 का ही दूसरा ऑप्शन है, अच्छे संसाधन और शैक्षिक उन्नति के आपसी संबंधों को आपको बताना है। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक न्याय के निदेशक सिद्धांत वर्णित है, लिखे तथा व्याख्या करें। प्रश्न संख्या 6 का ही दूसरा ऑप्शन है, शिक्षकों के प्रशिक्षण को लेकर विभिन्न शैक्षिक नीतियों में क्या कहा गया है, उसका विश्लेषण कीजिए। अब हम देखते हैं प्रश्न खंड ख में, यानी कि सेक्शन बी में जो है, जो लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा गया, जिसमें हमको 200 से 250 शब्दों में उत्तर देने हैं।
पहला है अभिवंचित वर्ग के बच्चों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को विद्यालयों द्वारा किस प्रकार उन्नत किया जा सकता है। दूसरा है क्या आप मानते हैं कि भारतीय समाज की दशाएं एवं समतामूलक समाज की स्थापना की दिशा में है। अपने उत्तर के पक्ष में पर्याप्त तर्क दें। और हम अगला देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 8। 8 में जो पूछा गया है वर्तमान में प्रचलित शैक्षिक नीतियों के प्रभावों की चर्चा करें। और प्रश्न संख्या 9 है शिक्षक स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर किस प्रकार से वहाँ की समस्याओं को दूर करने में मददगार हो सकता है। एक टीचर जो है वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी होती है लोकल कम्युनिटी मिलकर के वहाँ की जो समस्याएं हैं उसको किस प्रकार से दूर कर सकता है या किस प्रकार से दूर करने में मददगार हो सकता है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 10 है क्या विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सवों के आयोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हाँ तो इसकी व्यवस्था आप कैसे करेंगे विस्तार से लिखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये या आसान भी आप कह सकते हैं इसे कि जो आप सभी जानते होंगे आपके विद्यालय में सांस्कृतिक उत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम होते ही रहते हैं तो इसकी व्यवस्था यदि आपको करने को कहा जाए तो आप किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में यहाँ बताना है। प्रश्न संख्या 11 में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से आपको 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि नोट्स लिखना है। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है विद्यालय शिक्षा में असमानता, तीसरा है गुणवत्ता शिक्षा और चौथा है गुणवत्ता संधारण हेतु कार्यक्रम। तो ये तो वो प्रश्न पत्र था जो कि आपके DLED सेकेंड ईयर के पेपर कोड S1 में 2020 में पूछे गए थे। यदि इस वीडियो का आप JPEG नोट्स भी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की मदद से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में जो है आपके अगले पेपर कोड के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।